दोस्तों बिग बॉस 40 में कल यानी कि वीकेंड का वार एपिसोड काफी यादगार रहा। आपको बता दें कि कल के एपिसोड में सभी ने अपनी दुश्मनी भुला कर एक दूसरे को गले लगाया और पुरानी सभी बातों को भुला दिया। लेकिन घर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी दुश्मनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं जासमीन और रूबीना के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जासमीन की कुछ बातों पर सलमान खान भी पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। आपको बता दें कल वीकेंड का वार पर सलमान खान ने गलतफहमी के गुब्बारे का टास्क फिर से कराया। इसमें जासमीन भस्सी ने सबसे पहले रूबीना को टारगेट किया। इसके साथ ही जासमीन ने गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ने से पहले सलमान खान को ये बताया कि रूबीना को बहुत ज्यादा गलतफहमी है कि वो घर के अंदर सबसे ज्यादा एलीट है, सबसे ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन उन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। ये बात सुनकर सलमान खान भी लोटपोट हो गए और काफी जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि जासमीन भस्सी ने सलमान खान के सामने उनका गुब्बारा फोड़ने से पहले रीजन दिया कि इन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा एलीट है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मेरे बारे में बातें की हैं वो बाहर उनके फैंस और सभी लोगों ने नोटिस की है, तो रूबीना ने अपनी कब्र खुद खोद ली है इस घर के अंदर, ये सब कुछ करके। इतना सुनने के बाद सलमान खान जासमीन की बातों पर जोर जोर से हंसने लगे और वो इतना हंसे कि उनकी आंखों में पानी तक आ गया। जी हाँ दोस्तों, जासमीन ने बड़े प्यारे अंदाज में रूबीना का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा, लेकिन जिस तरीके का रीजन जासमीन भस्सी ने सलमान खान के सामने दिया उनका अंदाज बिल्कुल अलग था, क्योंकि बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं थी, बहुत ज्यादा हंस रही थी। बस उनके इसी अंदाज को देखकर सलमान खान भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और वो भी जोर जोर से हंसने लगे। बात करें अगर बाकी के घर वालों की, तो जासमीन जिस अंदाज में रूबीना को टारगेट कर रही थी, घर वाले भी हल्के हल्के से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जासमीन को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सभी घर वाले, लेकिन रूबीना से हो सकता है कि थोड़ा सा डरते हैं या फिर उनके आगे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जासमीन जिस तरीके से बेधड़क होकर रूबीना के बारे में बात कर रही थी, सभी घर वाले धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हंस रहे थे वो थे सलमान खान।